दोस्तों, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ाई करें जो आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो या फिर आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को देखना, वीडियो को बीच से इसकी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक एक चीज कवर करता हूं, शुरू से मैं आपको बताता हूं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो बीच से ही छोड़ देते हैं, बाद में उसको समझ में नहीं आता है। देखिए भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ाई करें, अगर आपने कुछ पहले से पढ़ा है तो कैसे पढ़ाई करें। देखिए, दोनों के लिए सेम ही चीज बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने ये चीज कर लिया तो अगर आप पहले से कुछ पढ़े हैं तो आपका ज्यादा मार्क्स आएगा, और अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है और अभी से आप स्टार्ट करोगे तो कुछ हो सकता है कम मार्क्स आएगा, लेकिन आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास जरूर करोगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला हमारा ट्रिक है कि सबसे पहले ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाएं। देखिए भाई, सबसे पहले आपको करना है यही काम, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो नंबर आते हैं वो सभी सब्जेक्ट का जोड़ के नंबर आपको देता है, ये ना कि एक सब्जेक्ट का नंबर आपको देता है। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का आपको ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लेना है, कॉपी में लिख लेना है अच्छे तरीके से, कौन कौन ज्यादा बार पूछा जाता है, कौन कौन पूछने का चांस ज्यादा है, क्वेश्चन बैंक से छांटना है, गेस पेपर से छांटना है, बुक से छांटना है, नोट से, यानी कि आपको जहां जहां से मिले आपको छांट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बना लेना है। ये आपको पहला काम करना है और अभी से कर देना है, ये ना कि आप दो दिन बात करोगे, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, आपको अभी से इसको स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेप है कि 30 दिन या फिर 15 दिन टारगेट बनाकर पढ़ाई करें। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको लगता है अभी एग्जाम तो 2 महीना बाकी है तो छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे, तो ये तरीका अपने दिमाग से हटा लो, क्योंकि यही आपको फेल कराने में मदद करती है। आपके एग्जाम में जो कम मार्क्स आता है यही आदत के कारण आता है। अब आपको देखिए 30 दिन या 15 दिन पढ़ाई करना है, क्यों 30 दिन 15 दिन सोच के पढ़ना है कि मेरा एग्जाम जो है वो 30 दिन बचा है, मेरा एग्जाम 15 दिन बचा है। अगर आप 15 दिन सोच के पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपने 30 दिन तक पढ़ लिया सोच के तो ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों आपके लिए, अगर आप जितना चाहते हैं कम करने के लिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा एग्जाम कल है, ये भी सोच के आप पढ़ सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग आ जाता है, तो ये चीज़ को मिस नहीं करना। तीसरा स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है कि अभी से आप रेगुलर पढ़ाई करना शुरू करें। भाई देखिए, रेगुलर आप नहीं पढ़ोगे तो आज आपने जो पढ़ा, फिर आपने जो कल पढ़ा, फिर आपने जो परसों पढ़ा, ये सभी में अलग अलग आपको चीज़ पढ़ना है, कि अगर आपने आज पढ़ लिया फिर आपने इसका रिवाइजिंग आने वाले कल में नहीं किया तो ये चीज़ आप भूल जाएंगे, फिर आपका ये भी पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो यही आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने से आपका हॉबिट बनेगा और आपका मज़ा आएगा, याद रहने का क्षमता बढ़ेगा, यानी कि हर एक चीज़ रेगुलर से ही होता है, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कोई भी काम में अगर आपको कंसिस्टेंसी रखना है तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये तीन काम कर लिया, यही तीन मेन रोल प्ले करता है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, बाकी तरीका गलत है। जो स्टूडेंट इन तरीकों को आजमा लिया तो वो एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो या तो कुछ भी नहीं पढ़ा हो या फिर पढ़ा हो, सभी के लिए ये ट्रिक काम करेगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।